मैं कंपटीशन ट्रैकर से हूँ। मेरा नाम विनेश कुमार है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। हम जब भी रेलवे वगैरह के एग्जाम देते हैं तो स्क्वायर रूट हमेशा आते रहते हैं, तो आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट को आसानी से 10 से 20 सेकंड में कैसे उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो संख्या है वो है 2401 और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के जो पहला है आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, इससे आप आसानी से कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये करना है कि पहले 1 और 10 इन दो पॉइंट इन दो संख्याओं को लेके बीच में एक इस तरह से लाइन खींच देना है। अब जो हुआ आपका ये दो भाग में डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पर मेरा 0 और 1 है, यानी कि जो मेरा 1 का प्लेस है उसमें 1 है। तो हमको ऐसा संख्या लेना है जिसका स्क्वायर में 1 का प्लेस में 1 आता है, यानी कि 1 का प्लेस में मेरा 1 आने के लिए पहला तो 1 है और दूसरा मेरा 9 है। देखिए 1 का जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है, 01 आता है, और जो 9 का स्क्वायर लेते हैं वो क्या आता है, 81, यानी कि 1 का प्लेस में आता है 1। तो सिर्फ हमको 1 का ही प्लेस देखना है, 10 का प्लेस नहीं देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इधर आते हैं तो मेरे पास 24 है। तो गाइस आपको पता होगा कि 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ना ही हम इसको 4 ले सकते हैं ना ही हम 5 ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि ये जो है 4 और 5 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 5 का मल्टीप्लाई करने से मेरे को आता क्या है, 20 आता है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, 24 चाहिए, यानी कि पहला जो होगा वो 4 होगा, लेकिन आ रहा है मेरा 20 और चाहिए मेरे को 24, तो मेरे को क्या बड़ा संख्या चाहिए, बड़ा संख्या चाहिए, इसीलिए हम इस बड़ा संख्या को लेंगे यानी कि 16 को लेंगे। तो मेरा 2401 का जो रूट निकलेगा वो 49 निकलेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है मेरा 4096। अब इसमें हमको क्या चाहिए, इसमें हमको 1 का प्लेस में 6 चाहिए, देखिए हम इसको भी काट देते हैं, इससे दो संख्या लेने के बाद काट दो। अब हमको चाहिए क्या, 6, इस 9 को नहीं देखना, सिर्फ हमको 6 को देखना है कि हमको 1 का प्लेस में 6 चाहिए। अब 6 किसका स्क्वायर होता है, मैंने पहले बताया था कि 1 से 10 तक को देखना है, तो 1 से 10 तक को देखते हो तो देखते हो कि 4 का आता है 16, 4 का स्क्वायर में आता है 16, तो देखिए 1 का प्लेस में 6 आ रहा है। अब दूसरा किसमें आता है, 6 में, क्यों, क्योंकि 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36 और इसके 1 का प्लेस में आ रहा है 6, यानी कि ये जो आएगा 4 या 6 में आएगा। तो अब चलते हैं पहला तरफ, पहली की तरफ चलते हैं, इसमें है मेरा 40, तो 40 किसका है, तो जिस तरह से मेरा यहाँ पर हुआ था वही केस मेरा यहाँ भी आ गया कि 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम कैसे बनाए इसको, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आस पास में देखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ये 6 और 7 इन दोनों के बीच में, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 इन दोनों के बीच में, तो चलिए चलते हैं 6 और 7 को, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 4 और 5 मल्टीप्लाई किया था उसी हमने यहाँ पर 6 और 7 को मल्टीप्लाई किया। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर क्या है, 42 आता है। देखिए जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बनाया था मेरे को चाहिए था 24, लेकिन आया क्या था 20, यानी कि हमको बड़ा संख्या करना था, बड़ा संख्या करने के लिए हमने बड़ा संख्या को लिया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मेरे को चाहिए 40, आ रहा है 42, यानी कि दो ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो मुझे छोटा करना है, छोटा करने के लिए हम छोटा संख्या करेंगे, तो मेरा जो पहला संख्या होगा 6 हो गया और छोटा करना है छोटा संख्या लेंगे यानी कि 4 लेंगे, तो ये मेरा 64 हो गया, यानी कि इसका जो निकलेगा वो 64 निकलेगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस बार में बना सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।